अब हम आपको ये बताएंगे कि अक्सर मोबाइल फोन में व्यस्त रहने वाले राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि भारत में लोग बेरोजगार होने की वजह से मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज कुछ क्रांतिकारी थ्योरीज देश के सामने रखी हैं, अपने कुछ क्रांतिकारी विचार उन्होंने देश के सामने रखे हैं, और क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं इसलिए उनके विचार आप सबको जानने चाहिए। आज विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए, और इस दौरान दिल्ली में भी जंतर मंतर पर विपक्षी दलों ने एक रैली की जिसमें राहुल गांधी भी गए, और वहां उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। इसलिए और ये दो बड़ी बातें आज देश के युवाओं को खास तौर पर सुननी चाहिए। पहली बात राहुल गांधी ने यह कही कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक का एक बड़ा कारण है बेरोजगारी, क्योंकि ये युवा बेरोजगार थे जिन्होंने घुसपैठ की संसद में, वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे इसलिए वो संसद तक पहुंच गए, और इसमें बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये है असली विषय। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आजकल भारत के युवा प्रतिदिन 7 घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल फोन पर बिताते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो फिर करेंगे क्या, सारे दिन मोबाइल फोन पर ही लगे रहेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमलावर संसद में अपने साथ एक गैस सिलेंडर लेकर आए थे, जबकि ये उनसे उन्होंने गलती से ये कह दिया। असल में ये हमलावर जो थे या जो घुसपैठिए थे जो संसद भवन में घुसे, ये गैस सिलेंडर नहीं बल्कि स्मोक कैनिस्टर्स लेकर आए थे, जिसे राहुल गांधी ने शायद गलती से आज गैस सिलेंडर कह दिया। सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, अंदर कैसे आए, पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए, अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था, बेरोजगारी। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पर बैठा है, क्यों क्यों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो, ये है हिंदुस्तान की हालत। तो राहुल गांधी ने आज देश के युवाओं को बिल्कुल एक नई थ्योरी दी है, और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के इस युग में, इस सरकार में कोई काम नहीं है, आजकल युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए वो सारे दिन मोबाइल फोन पर लगभग औसतन 7.5 घंटे एक दिन में अपने मोबाइल फोन पर लगाते हैं, और वो लगातार घंटों तक ऐसे ही इंस्टाग्राम देखते चले जाते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते हैं। राहुल गांधी की ये बात सही है कि इस समय भारत के युवा प्रतिदिन लगभग 7.5 घंटे मोबाइल फोन और इंटरनेट पर अपना समय बिताते हैं, ये जो उनके आंकड़े हैं ये बिल्कुल सही है, और हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जो यही बात कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के लोग प्रतिदिन 9 घंटे, अमेरिका में 7 घंटे 10 मिनट, और चीन में लोग हर दिन लगभग 5.5 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, और इसी रिपोर्ट में कहीं पर यह नहीं बताया गया कि मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती लत का कारण बेरोजगारी है। देखिए यहां राहुल गांधी ने क्या किया है, उनके आंकड़े तो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन पर ज्यादा समय बिताने को बेरोजगारी से कनेक्ट कर दिया, और वो जो थ्योरी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए वो मोबाइल फोन पर इतना समय बिताते हैं। अब देखिए जब इसको आप और ज्यादा स्टडी करेंगे, उदाहरण के लिए थाईलैंड में लोग सबसे ज्यादा 9 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, भारत से भी ज्यादा, भारत में 7.5 घंटे करते हैं, थाईलैंड में 9 घंटे करते हैं, लेकिन वहां बेरोजगारी दर सिर्फ 1.2% है जो सबसे कम है। इसलिए हमें लगता है कि यह बात राहुल गांधी ने शायद अपने मन से ही जोड़ दी है, और यह बात भी सही नहीं है कि राहुल गांधी के कहने पर यह स्टडी हुई, उन्होंने कहा कि हमने एक स्टडी करवाई, असल में यह स्टडी पहले से हो चुकी है, लेकिन उनका आंकड़ा बिल्कुल सही था। अब यह देश के लोगों को सोचना है, आपको भी सोचना है कि क्या हमारे देश के लोग मोबाइल फोन पर इसलिए ज्यादा समय लगाते हैं, इसलिए ज्यादा रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। दूसरा,
राहुल गांधी का यह भी दावा है कि भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत में बेरोजगारी ज्यादा है, जो कनेक्शन आप देखिए। हाल ही में आई भारत सरकार की एक नई रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2022 और 23 में भारत में बेरोजगारी दर 3.2% रही, जो दुनिया के बड़े बड़े देशों से बहुत कम है। आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर है 32.8%, ब्राजील में 8.3%, पाकिस्तान में 8.5%, फ्रांस में लगभग 7.5%, इटली में लगभग 8%, ईरान में 9.4%, चीन में 5.3%, ब्रिटेन में 4.2% और अमेरिका में बेरोजगारी दर लगभग 4% है, जबकि भारत में बेरोजगारी दर है 3.2%। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर समय बिताना चाहिए, ईरान के लोगों को हमसे ज्यादा समय, ब्राजील और पाकिस्तान और जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, यहां तक कि चीन के जो लोग हैं, उन्हें ज्यादा समय बिताना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी मोबाइल फोन के इस्तेमाल को बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं, वही राहुल गांधी शायद भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले बड़े नेता हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं को, ज्यादातर बड़े नेताओं के हाथ में आपने कभी मोबाइल फोन देखे ही नहीं होंगे। कोई बड़ा नेता अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर नहीं चलता, ना ही शायद जेब में आपने देखा होगा। और सार्वजनिक जगहों पर भी आपने बड़े बड़े नेताओं को, यहां मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं जिस लीग में राहुल गांधी हैं, बड़े नेताओं में आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो कहीं सार्वजनिक जगह पर बैठा है और मोबाइल फोन पर कुछ कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन का शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बड़े नेता हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति के अपमान का वीडियो भी राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन पर ही बना रहे थे, और आप कह सकते हैं कि हो सकता है बाद में वो इसकी रील्स बनाते। इसके अलावा आज भी जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें राहुल गांधी अपने भाषण से पहले अपने मोबाइल फोन पर ही व्यस्त थे, ये देख लीजिए आप, और उसकी तस्वीरें इस समय आपके पास हैं। तो राहुल गांधी तो खुद भी अपने मोबाइल फोन पर काफी समय बिताते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि उनके पास भी कोई काम नहीं है? उनके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, उनके हाथ में आपको कभी मोबाइल फोन दिखाई नहीं देगा। उनके आसपास इंडिया गठबंधन में जो और भी लोग शामिल होते हैं, आप नीतीश कुमार को भी देखते हैं, लालू यादव को भी देखते हैं, उद्धव ठाकरे को भी देखते हैं, और भी तमाम नेता, ममता बनर्जी को भी देखते हैं, आपने उन्हें कभी सार्वजनिक रूप से मोबाइल फोन में व्यस्त नहीं देखा होगा। वर्ष 2019 में भी जब पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब भी अपने मोबाइल फोन के साथ व्यस्त रहने के लिए राहुल गांधी की उस समय काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि ऐसे शोक के समय में तो कम से कम राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन छोड़ सकते थे। और वर्ष 2019 में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी लोकसभा में राहुल गांधी को मोबाइल फोन पर व्यस्त पाया गया था, उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बैठक से लेकर और भी कई मौकों पर राहुल गांधी हमेशा मोबाइल फोन पर व्यस्त नजर आ चुके हैं, और यही वजह है कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से यह पूछा कि अगर मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग बेरोजगार हैं तो फिर राहुल गांधी खुद को क्या मानते हैं। अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं, संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी, बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है, अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? इट सीम दैट ही इज अनएम्प्लॉयड। तो देखिए आज मोबाइल फोन ही राजनीति का एक बड़ा विषय बन गया, राहुल गांधी भी एक राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी भी राजनीति कर रही है इस पर।